हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फिजिक्स क्लास है। तो बेसिकली अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है, उसमें अपन ने गॉस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग कर रहे थे। और आज का टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये अपना लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, यानी कि इसका एक वीडियो हो जाएगा आपके पास। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का एक वीडियो भेजूंगा। तो देखो, आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का वीडियो बनाऊं, उससे पहले आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल और जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो। जिससे क्या होगी, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें जितने भी आपके डाउट हो वो आपको मैं समझा दूं। तो आज आप जैसे ये वीडियो खत्म होता है उसके बाद आज और सारे काम छोड़कर आज केवल क्या करोगे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल और थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और तो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन दिए वो सारे सॉल्व करके देखना। तो क्वेश्चन आपको नहीं आता है मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको एक वीडियो बना के उसमें पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा। अब जैसे मान लो 3-4 दिन बाद आप मैसेज करोगे, उसके बाद में तीसरे चौथे चैप्टर तीसरे चैप्टर पहुंच गए जैसे, उसके बाद आप मैसेज करोगे तो उनके लिए मैं अलग से एक एक वीडियो नहीं बना सकता एक एक क्वेश्चन के लिए। तो आप आज और कल इस क्वेश्चनों के सारे इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व करके जो नहीं आ रहा है मेरे को मैसेज कर दो, उनका मैं सॉल्यूशन है भेज दूंगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर, जो अपन ने विद्युत क्षेत्र में बल्ब पढ़ा उसकी डायरेक्शन क्या थी। तो देखो, वहां पे पूरा डिटेल से समझा दिया था। हाँ, ये लाइन बोली नहीं थी कि इस तरफ होगी, देखिए वहां पे पूरा डिटेल से समझाया, तो वहां पे अच्छे से समझ में आ जाता है कि बल्ब की दिशा किस तरफ है। तो देखो, यहाँ पे बल्ब की दिशा देखें, समान आवेश समान प्रकृति के हैं, तो इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण लगने से ये इसका आयतन में क्या होगी, बढ़ती होगी। आयतन की बढ़ती हुई इसका मतलब बल किस तरफ लगा, बाहर की ओर। तो इसके तल के लंबवत क्या होगी, बल की दिशा। विद्युत बल की दिशा क्या होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर। और दाब की दिशा में क्या हो जाएगी, तल के लंबवत बाहर की ओर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया बल और दाब की दिशा क्या है, तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। तो देखो, विद्युत क्षेत्र जैसे यही सेम प्रोसेस लेके चलेंगे, यहीं पे ऊर्जा का मान निकालेंगे। एकांक आयतन में ऊर्जा, एकांक आयतन में ऊर्जा का अर्थ हुआ ऊर्जा घनत्व है। तो लास्ट कहां तक जाएंगे अपने, यानी कि इसमें ऊर्जा घनत्व है सॉल्व करेंगे, लास्ट अपने ऊर्जा घनत्व का मान निकालेंगे। अब देखो, ऊर्जा कैसे आएगी, अब ऊर्जा का अर्थ है यानी कि कार्य क्या है, कैसे ऊर्जा का रूप होता है। तो कार्य, यहाँ पे कार्य का मान निकालेंगे, ऊर्जा मिल जाएगी अपने को। अब देखो, जैसे स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल समझते हैं, स्प्रिंग को दबाते हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग के प्रत्यानयन बल के विरुद्ध अपन क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जैसे दबाएंगे स्प्रिंग प्रत्यानयन बल लगाएगी, जो अपन विस्थापन करेंगे इसके विपरीत दिशा में क्या लगाएगी, स्प्रिंग बल लगाएगी। और उस बल के विरुद्ध अपन क्या करते हैं, कार्य। और वो कार्य स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। और जैसे ही छोड़ेंगे वो स्थिति ऊर्जा किसमें रहेगी, गति ऊर्जा। यानी किया गया कार्य किसमें रूपांतरित हुआ, ऊर्जा में। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे अपने, डी डब्ल्यू कार्य करेंगे। ठीक है, अब कार्य का मान निकालेंगे, उसके लिए अपने क्या चाहिए, अपन को कार्य का कितना होता है, एफ डी आर। बल चाहिए और विस्थापन चाहिए। तो देखो, यहाँ पे विद्युत बल है, बाहर की ओर लग रहा है। ठीक है, अब बाहर की ओर विद्युत बल लग रहा है, इसको अपन क्या करें, इस बल के विद्युत कार्य करें, यानी कि इसकी डायरेक्शन साइड है तो अपन उल्टी डायरेक्शन में इसका कार्य करेंगे। इसका अर्थ हुआ इसके आयतन में क्या करें, कमी। देखो, ये बल क्या करता है, आयतन में वृद्धि करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपन क्या करें, आयतन में कमी करें। आयतन में कमी करें कि इस बल के विरुद्ध अपन क्या करें, कार्य करें। एक दूसरा प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे ये बल है ये आयतन में वृद्धि करना चाहता है। ठीक है, और जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही ज्यादा बल का मान बढ़ेगा, उतना ही आयतन बढ़ेगा। अपन क्या करें कि आवेश का मान बढ़ा दें, आवेश का मान बढ़ाएंगे तो बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। बल का मान बढ़ने से आयतन में क्या होगी, वृद्धि। लेकिन क्या कर लें, आयतन में वृद्धि होने से रोक लें, आवेश तो बढ़ाते नहीं, आयतन में वृद्धि होने से रोक लें। यानी कि इस बल के विरुद्ध अपन क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कार्य। और देखो, पिछले टॉपिक में अब कार्य के लिए क्या चाहिए, एफ चाहिए और डी आर चाहिए। अब पिछले टॉपिक में हमने दाब निकाला था कि तल के लंबवत थे दाब, चालक के तल के लंबवत दाब कितना आया था विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में विद्युत दाब या तल के लंबवत, तल के लंबवत, लंबवत आया था विद्युत दाब। P इक्वल टू कितना आया था, इक्वेशन है सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन है
नॉट, ये क्वेश्चन आई थी, ठीक है। अब दाब है तो बल निकाल सकते हैं, बल आ गया तो dr इसका विस्थापन करके अपन क्या निकालेंगे, कार्य निकालेंगे। तो देखो अपन क्या करते हैं, इस बल के विरुद्ध अपन कार्य करेंगे, यानी कार्य करेंगे और इसके आयतन में कमी कर दी, यानी कि पहले जो आठ त्रिज्या का गोला था, ये त्रिज्या आठ थी इसकी ओ बिंदु से, इसके आयतन में कमी कर दी और ये इतना था बना दिया मैंने इसको, कितना विस्थापन कर दिया, कितनी कमी कर दी, डी आर की कमी कर दी इसकी त्रिज्या में, ठीक है। तो अब कितना बच गई ये त्रिज्या, पहले आर थी इसमें से डी आर कम हो गई, तो आर माइनस डी आर त्रिज्या हो गई, इतनी दी है कमी कर दी मैंने, ठीक है। अब देखो विस्थापन की, इसका अर्थ विस्थापन कितना का, डी आर विस्थापन हुआ है, अपन को क्या चाहिए, डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर, तो पहले तो एफ देखेंगे, अब क्योंकि दाब पी बराबर कितना होता है, एफ बटा ए, दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां से एफ बराबर कितना हो जाएगा पी ए, अब देखो पी का मान ये रहा और ए क्या है, इस चालक का क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि गोला है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, ये मान रख देंगे, तो पहले तो सिग्मा पी का मान रख दो कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन है नॉट, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। तो यहां से क्या मिल गया अपन को, एफ का मान मिल गया, कितना हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। करना क्या है, कार्य यानी विस्थापन कितना है डी आर, तो कार्य कितना होगा, कार्य डी डब्ल्यू बराबर कितना होगा एफ डी आर, और ये कार्य क्या होगा, ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होगा, यानी कि एक तरह से ये क्या कहलाएगी, ऊर्जा कहलाएगी। तो ये दोनों मान रख दो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन है टू एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। अब देखो जहां पर अपन ने इसके आयतन में क्या की है, कमी की है, तो ये आयतन में कमी कितनी हुई, पहले तो ये देख लेते हैं, तो गोले के आयतन में कमी, अब आयतन में कमी यानी कि आयतन एक तरह से क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इनटू इसकी जो मोटाई यानी कमी आई है उससे गुना कर दूं तो क्या जाएगी, यानी त्रिज्या में तो कमी है उससे गुना कर दूं तो क्या जाएगा आपका आयतन, तो डीवी कोष्ट कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये क्या हुआ, इसका आयतन है कम हुआ है, 4 पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल इनटू इसकी त्रिज्या में कमी, यानी त्रिवी में हो गया, तो ये क्या कहलाएगा अभी, आयतन हो गया, ठीक है। तो ये आयतन आ गया, अब इसका अर्थ यहां पर यह मान कितना है, यही तो है डीवी का मान, तो यहां पे क्या रख देंगे डीवी, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन है टू एप्सिलॉन नॉट डीवी। अब देखो ये अपना जो मान आ गया, ये क्या है, अल्पांश के लिए किया गया कार्य है, अब संपूर्ण पृष्ठ यानी कि विद्युत क्षेत्र के संपूर्ण पृष्ठ में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, अब देखो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र के लिए क्या कर देंगे, ये अल्पांश के लिए है तो संपूर्ण के लिए क्या हो जाएगा, इसका क्या कर देंगे समाकलन, इसका समाकलन करोगे तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन है सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट डी वी, यहाँ पे डी वी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन को पता है कि अल्पांश के अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, जैसे एक अल्पांश लेंगे तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अल्पांश क्या होगा, एक चालक पदार्थ जैसा होगा और चालक पदार्थ के कारण ई इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पे सिग्मा का मान कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये मान रख दो, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन है एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट डी वी, अगर एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन है
वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी। ये माना गया किया गया है कार्य, और किया गया कार्य क्या कहलाएगा, ऊर्जा कहलाएगी। तो एक तरह से क्या है, किसका मान है, ऊर्जा का मान है। तो ये क्या है, एक तरह से ऊर्जा है। तो देखो अपन को अपन क्या करना है, एकांक आयतन के लिए ऊर्जा का मान निकालना है। तो डी डब्ल्यू का मान कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट डीवी है। अगर इसमें मैं क्या कर दूं, डीवी का भाग दे दूं, ठीक है, तो ये डीवी का भाग देते क्या होगा, अल्प एकांक आयतन का क्या रहेगा, ऊर्जा का मान आ जाएगा। तो एकांक आयतन के लिए, एकांक आयतन की ऊर्जा, देखो कुल ऊर्जा पूछे तो ये है समीकरण, और एकांक का पूछे तो इसमें क्या करोगे, डीवी का भाग दो, तो डीवी से डीवी कैंसिल हो जाएगा। तो डी, इसको मैं यू से लिख देता हूं, यू बराबर कितना देगा, डी डब्ल्यू अपॉन डीवी इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट डीवी बटा डीवी। तो डीवी से डीवी कैंसिल हो गया और कितना आ गया, यू बराबर वन बाई टू, या यू बराबर कितना आ गया, यू बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो इसको एक बार और लिखना हो, सिग्मा स्क्वायर के जगह मान रखना चाहो तो सिग्मा का मान कितना है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो यू बराबर कितना हो गया, वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, एकांक आयतन की ऊर्जा का मान आ गया। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो को देखो, और फिर भी डाउट रहता तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। तो आज अपना ये टॉपिक खत्म होता है, इसके बाद एक टॉपिक और बचा है अपना, उसके बाद अपना ये लेसन खत्म है, थ्योरी खत्म हो जाएगी, इसके बाद एक वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा। तो अब आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, और आज और कल में मेरे को मैसेज कर देना, उसके बाद में परसों में लास्ट परसों में क्या बनाऊंगा इसका वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा, तो आपके न्यूमेरिकल और थ्योरी के जो भी डाउट है वो सॉल्व करूंगा। इसके बाद दो दिन बाद आप मैसेज करोगे उसका वीडियो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, तो आप आज ही क्वेश्चन सॉल्व करके आज ही मेरे को मैसेज कर दो, तो मैं उसको नोट करके उसका सॉल्यूशन भेज दूं आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।